इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट माइक्रो नीश वेबसाइट्स की, जो कि भाई बहुत ही अलग काम कर रही है और साथ साथ भाई यूनिक काम कर रही है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा अभी, और साथ साथ मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ भाई वे कैसे काम कर रही है। तो सिंपल आपको पता ही है, दो ऐसे आइडियाज होते हैं जिन पर भाई आपको एक बार काम करना होता है। एक तो होता है देखो एपीके वेबसाइट और एक होता है भाई टूल वेबसाइट। तो इन दोनों टॉपिक पर आपको सिंपल एक बार काम करना होता है, देन आपको सर्च कंसोल के अंदर डालने के बाद आपको गूगल के अंदर सिंपल इसको रैंक कराना होता है। क्या करना होता है भाई, आपको सिंपल थोड़ा बहुत एसईओ कर देना है इसमें। एसईओ करने के बाद सिंपल आपको सबमिट करने के बाद एंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने के बाद देन आप इसको सबमिट कर देते हो ना, तो भाई इजिली आपका ट्रैफिक इजिली आ जाता है और साथ ही साथ आपको एडसेंस भी इजिली मिल जाता है। जो कि भाई आज हम बात करने वाले हैं टूल वेबसाइट्स की, जो कि भाई बहुत ही डिफरेंट लेवल पर काम कर रही है, और साथ साथ मैं आपको तीन ऐसे टॉपिक्स भी देने वाला हूँ ना जिन पर आप टूल वेबसाइट बनाकर भाई बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी वेबसाइट इन पर रैंक हो रही है, जो कि मैं आपको सीधा दिखाऊंगा, है ना। तो सिंपल यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई तो सिंपल भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो ये नोटिफिकेशन है भाई इसको ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है जैसे कि आपको पता ही है। एंड देन ये वाली आप वीडियो देख सकते हो, जो कि भाई मैंने इसके अंदर होस्टिंग बताई है, बहुत ही अच्छी होस्टिंग है, जो कि भाई अफोर्डेबल प्राइस में आपको डॉट इन डोमेन भी मिल रहा है, तो आप यहां पर देख सकते हो। तो जो कि हमारा पहला कीवर्ड है 8D कन्वर्टर, आप देखो 8D कन्वर्टर नाम सुन के आप समझ गए होगे कि भाई किस टाइप का ये कीवर्ड है, क्या काम होने वाला है इसका। तो सिंपल हम बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल की, तो जो कि भाई आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आता। मैं आपको यहाँ पर भी डाल देता हूँ ये कीवर्ड, जो कि भाई आपको पूरा समझ में आए कितना वॉल्यूम है कितना नहीं, और देन आप कैसे काम कर सकते हो इसके अंदर, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम सिंपली यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि यहाँ पर जो इंडिया से मेन ट्रैफिक आ रहा है इसका, एक मिनट ओके। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब 8D कन्वर्टर, अब इसका वॉल्यूम कितना है यहाँ पर आप चेक करो, जो कि ग्लोबल वॉल्यूम है 2.1, मतलब 2000 के समथिंग का। अब यहाँ पर हम इस पे कर दें क्लिक, और यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है ये है। अगर मैं ये वाला कीवर्ड यहाँ पे सर्च करूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी मेन वेबसाइट आ रही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडियो अल्टर कैसे करके एक वेबसाइट आ रही है, जो कि हम सिंपली इस पे क्लिक करते हैं। अब ये वेबसाइट क्या करती है, इस पर हम सिंपली एक नॉर्मल सॉन्ग अपलोड करते हैं ना, तो भाई ये ना ये 8D कन्वर्ट करके दे देती है उस सॉन्ग को, जैसे कि आपको पता ही है सराउंडिंग साउंड आता है उसके अंदर 8D सॉन्ग में, है ना। तो सिंपल आपको ये करके दे देगी। अब देखो इसका ट्रैफिक कितना आ रहा है, पहले इसकी एज चेक कर लेंगे हम, जो कि आप देख सकते हो 5 साल पुरानी वेबसाइट है, है ना, जो कि भाई हम इसका एक बार ट्रैफिक भी चेक कर लेंगे भाई ट्रैफिक कितना आ रहा है 5 साल के अंदर, जो कि आप देख सकते हो 6 लाख ट्रैफिक आ रहा है। और हमने यहाँ पर क्या देखा था, जो इसका कीवर्ड का वॉल्यूम है वो कितना है, कम से कम मान सकते हो आप 6000 मान सकते हो, है ना, ऑल ओवर जो कीवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, मान सकते हो आप 3000 मान सकते हो, जो इसका यहाँ पे ट्रैफिक कितना आ रहा है 6 लाख का ट्रैफिक आ रहा है। अब ये 6 लाख का ट्रैफिक कैसे आ रहा है, अब ये जो है ना इसने जो टूल बना रखा है एक मल्टी नीश टूल बना रखा है, जो कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो टूल पे क्लिक करना है, एंड टूल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, अब अगर आपको 3D ऑडियो चाहिए तो भाई आप इस पे क्लिक करके इस टूल पे आ जाओगे, देन आपको अपलोड करना है या 3D ऑडियो बन जाएगा। अब ऑटो प्लानर, बेस बूस्टर आपको करनी है सॉन्ग के अंदर, कन्वर्टर करना है, इक्वलाइजर करना है, नॉइस रिडक्शन करना है किसी भी वॉइस में या किसी भी चीज में, है ना। तो सिंपली ये ना टूल पर बना हुआ है, जो कि हम इसको मल्टीपल टूल्स कर रखे हैं। अब देखो लोग सर्च करते होंगे बेस बूस्टर कन्वर्टर, 3D ऑडियो कन्वर्टर सर्च करते होंगे, एंड स्टूडियो प्लानर सर्च करते होंगे। सिंपल हम एक बार सर्च कर लेंगे, वॉल्यूम चेंजर कर लेंगे ना, वॉल्यूम चेंजर सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पर जो वेबसाइट हमारी आती है देखो सेकंड नंबर पे वही वेबसाइट आ रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब कि ये ऑल ओवर टूल से ट्रैफिक ला रहा है, एक ही टूल से ट्रैफिक नहीं ला रहा है। अब सिंपली आपने ये चीज देख ली, जो कि आप एक ऐसा टूल भी बना सकते हो जो कि भाई एक मल्टी नीश टूल हो सकता है ना। तो सिंपली हम इसको बैक कर लेंगे, नीश तो एक ही है ऑडियो की, पर ये जो है ना अलग अलग टाइप से फिल्टर कर रहा है सॉन्ग्स, जो कि भाई लोग सर्च करते हैं। देखो एक वेबसाइट और देख लेते हैं, जो कि भाई 8D ऑडियो कन्वर्टर, सिंपली इसका ट्रैफिक चेक करते हैं और कितनी एज पुरानी वेबसाइट है ये चेक, जो इसकी एज वेबसाइट है 5 साल दिखा रहा है, इसका ट्रैफिक भी चेक कर लेंगे, जो कि आप देख सकते हो 1.5 लाख के समथिंग, 1 लाख के समथिंग ट्रैफिक आ रहा है। अब इस वेबसाइट के अंदर है क्या ये चीज आप चेक करो, जो कि भाई कुछ भी वेबसाइट के अंदर है, जो कि भाई सही से कंटेंट या कुछ एक पैराग्राफ एक अच्छे से समझा भी नहीं रखा सही से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपल एक पेज की वेबसाइट है, छोटी सी वेबसाइट। अब ये भी बंदा इसी टाइप से काम कर रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑडियो रिकवर और रिवर्स बेस बूस्टर, ये भी इस टाइप से काम कर रहा है, जो कि इसका ट्रैफिक कितना आ रहा है 1 लाख, है ना। धीरे धीरे इसका ट्रैफिक बढ़ जाएगा, सिंपली आपको थोड़ा सा जो काम करना है थोड़ा बैकलिंक पे काम करना है स्टार्टिंग में, अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाते हो, और आपको एक काम करना है भाई इसके अंदर एसईओ पे काम करना है, क्योंकि इसके अंदर मेनली जो है ना एसईओ मेन होता है, और यहाँ पर थोड़े बैकलिंक आप बिल्ड कर लेना। तो सिंपली आप नीचे देख सकते हो, मैंने अपने वीडियो के अंदर भी बता रखा है कि आप बैकलिंक कैसे बना सकते हो, लिस्ट भी प्रोवाइड कर रखी है, तो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि यहाँ प्ले स्टोर रैंक हो रहा है, मतलब कि वेबसाइट जो है ना मेन जो ऊपर ही रैंक हो रही है, जो कि आप यहाँ पर अब एक बार यहाँ पर कर लेंगे, जैसे कि हम एक बार देखो आप समझ गए होगे, वैसे मुझे और समझाने की वैसे जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर इसने मल्टी निश बना रखे टाइप से। अगर हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे बेस बूस्टर,
सिंपली इसको सर्च कर लेंगे। देखो इस पे भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक आ रहा होगा जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। एक मिनट, सिमिलर कीवर्ड से भी मतलब यहाँ पर इसका ट्रैफिक आता है। जैसे कि मैंने देखो बेस बूस्टर किया, अभी इंडिया से जो कीवर्ड्स आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं, जो कि मेनली है, थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिखा रहा है शायद, बेस बूस्टर है ना, बेस बी ओ एस्टर। ओके, तो सिंपली यहाँ पर जो है ना, जो सिमिलर सिमिलर कीवर्ड होते हैं ना, वहां से इसका ट्रैफिक आ रहा है जो इन वेबसाइट्स का, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है ना। इस टाइप से आप एक बार टूल बनाने के बाद भाई आपको सीधा छोड़ देना है गूगल के अंदर, देन आप देख सकते हो भाई धीरे धीरे आपका ट्रैफिक इंक्रीज होता रहेगा। अब हम ऐसे कीवर्ड की बात करने वाले हैं जो कि भाई जहां पर लो कंपटीशन होने वाला है। सिंपल ये वाला आप हमारा जो सेकंड टूल आइडिया है, सिंपल इसको एक बार चेक करते हैं, जो कि भाई सीजीपीए कैलकुलेटर। अब सीजीपीए कैलकुलेटर बहुत ज्यादा सर्च होता है इंडिया के अंदर और यहाँ पर लोग यूज भी करते हैं, जो कि मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ है ना। हम इसे गूगल के अंदर भी डाल देंगे ना, यहाँ पर मैंने डाल दिया है सैंपल, यहाँ पर हम इसको इसके अंदर भी डाल देंगे जो कि यहाँ पर कौन कौन सी वेबसाइट हो रही है यहाँ पर अभी देखें। अब देखो सीजीपीए कैलकुलेटर, अब देखो इसके अंदर ना बहुत सारे के बहुत सारे अब इसके अंदर ना बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, जो कि वो वी ऑल कीवर्ड से कर लेता हूँ मैं, एंड करने के बाद 4000 कीवर्ड दिखा रहा है। वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, 4 लाख का दिखा रहा है वॉल्यूम। सिंपल आपको कोई एक कीवर्ड पकड़ सकते हो आप, या इसको पूरा ही पकड़ सकते हो। मतलब कि जैसे कि आपने सीजीपीए कैलकुलेटर बना दिया, उसके अंदर कैटेगरी और बना दी, जैसे कि परसेंटेज कैलकुलेटर सीजीपी का, और यहाँ पर विट सीजीपीए कैलकुलेटर, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो अलग है, सीजीपीए टू सीजीपीए कैलकुलेटर ना, एसजीपीए टू सीजीपीए कैलकुलेटर करके ऐसे ही टूल बना सकते हो। अगर आपको एक मेनली एक सिंगल कीवर्ड पर काम करना है वो आपको बेस्ट रहेगा, आपको उस पर ज्यादा ट्रैफिक आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस पे 12,000 का ट्रैफिक है ना, 12,000 का ट्रैफिक है इस पे। आपको सिंपल इस पर टूल्स बना देना है, जो कि भैया एसजीपीए टू सीजीपीए कैलकुलेटर है। सिंपल हम एक बार इसको सर्च कर लेंगे ना गूगल के अंदर भी, जो कि हम देख लेंगे इस पे कौन कौन सी वेबसाइट रैंक हो रही है। सिंपल आपको इस टाइप के कीवर्ड को टारगेट करना है, जो कि एक सिंगल कीवर्ड हो सकता है। देखो एक वेबसाइट रैंक हो रही है यहाँ पर जीपी कैलकुलेटर करके, और इस वेबसाइट के अंदर देखो कुछ भी नहीं है, देखो पुरानी वेबसाइट है और इसके अंदर कुछ भी वेबसाइट नहीं है, मतलब कि एसईओ सही से कर रखा भी नहीं है। सिंपल आप रैंक हो सकते हो थोड़े से बैकलिंक बिल्ड करके। एक बार इसका ट्रैफिक भी चेक करेंगे, जो कि इसका ट्रैफिक कितना आ रहा है टोटल है ना, जो इसका ट्रैफिक है वो ग्रो ही हो रहा है, जो कि 1.2 मिलियन आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी नीश है जो कि मैं आपको दिखा दें। और यहाँ पर हमने ये वाला भी सर्च करा था, देखो इस कीवर्ड पर अलग हो रहा है रैंक, इस कीवर्ड पर अलग हो रहा है, क्योंकि इंटेंट अलग है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये वेबसाइट है, एक बार इसको चेक कर लेंगे, जो कि डोमेन अथॉरिटी 4 दिखा रहा था, एक बार इसकी ये चेक कर लेंगे, ये नहीं दिखा रहा, तो सिंपल हम इसका ट्रैफिक चेक कर लेंगे। जो कि इसका ट्रैफिक आ रहा है बहुत कम आ रहा है, क्योंकि एक ही शायद इसने सीजीपीए कैलकुलेटर पे ही टारगेट किया हुआ है, जो कि आप डोमेन भी इसका देख सकते हो, 5-6 हजार का ट्रैफिक आ रहा है, इसको एडसेंस मिला हुआ ही नहीं, और सही से इसने बना भी नहीं रखा, देख सकते हो आप कितना सिंपल बना रखा है। आपको सिंपली रिसर्च करनी है कि भाई किस टाइप का सीजीपीए कैलकुलेटर होता है, सीजीपीए क्या होता है, सिंपली इसको रिसर्च करके देन आपको बना देना है, अगर आप पे आता हो तो। और अगर किसी के पास टूल बनाना आता है भाई पूरी उसको नॉलेज है कोडिंग वोडिंग ये सब चीज की, तो भाई मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है वो बंदा, मुझे जरूरत है ना उसकी। तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही सिंपल वेबसाइट बना रखी है, जब भी जाके रैंक हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है सिंपल ये, जब भी जाके डोमेन अथॉरिटी यहाँ पर आप देखते हो 4 इजीली रैंक करो। और यहाँ पर एक बार ये वाली भी चेक कर लेंगे हम वेबसाइट, जो कि आपको ये चेक करते हैं, एंड यहाँ पे 6 साल दिखा रहा है, और यहाँ पर जो है ट्रैफिक कितना दिखा रहा है इसका। ओके, इसका जो ट्रैफिक है ना वो ग्रोइंग पे, देखो आप देख सकते हो, जो कि 33,000 का ट्रैफिक आ रहा है, इसको सिंपल एडसेंस भी मिला हुआ है, तो सिंपल ये अर्निंग भी अच्छी कर रहा हो। देखो यहाँ पर जाके इसने भी सिंपल रखा है, एड्स एड्स रखे हैं, जो कि भाई ये अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा होगा। अब देखो यहाँ पर जाके ना आपको सिंपल कोई ऐसा कीवर्ड को टारगेट करना है, जो कि भाई आप एक ही वेबसाइट के अंदर उसको टारगेट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर सीजीपीए कैलकुलेटर एएन यूनिवर्सिटी, आप सिंगल इसका भी कीवर्ड बना सकते हो, जो कि भाई एक टाइटल बना देना आप सिंपल, जैसे कि यहाँ पर इसने टाइटल लिख रखा है, यहाँ पर आपको एएन यूनिवर्सिटी लिख देना आगे, देन आप इजिली रैंक कर जाओगे, और अच्छे से आपको थोड़ा एसईओ वैस्यू कर लेना अच्छे से, तो इजिली आप आराम से रैंक कर जाओगे इन कीवर्ड्स पर। क्योंकि भाई मैंने आपको देखो बहुत सारे कीवर्ड्स आइडिया दे दिए हैं, जो कि भाई आप सिंपल इनका वन वेबसाइट बना सकते हो, इनकी टूल वेबसाइट पर। तो सिंपल आपको भाई एक बार काम करना होता है इसके अंदर, आपको सीधा डाल देना है गूगल के अंदर, देन आपके भाई इजिली छोड़ देना है, देन ये रैंक इजिली हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीपल कीवर्ड्स पर काम करो, जब भी जाके भाई आपको सक्सेस रेट जो है ना ब्लॉगिंग के अंदर वो जब भी आपको मिल पाएंगे। और मैं आपको जो बता दूं ना एक चीज और, यहाँ पर जो है ये जो वेबसाइट होती है ना, जो कि टूल वेबसाइट होती है, गूगल से अपडेट से इतना इफेक्ट होती नहीं है। सिंपल में अगर आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है वो इफेक्ट हो जाएगी, ये वेबसाइट इफेक्ट इतनी होती नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इतना कंटेंट प्रोवाइडर नहीं होता है, और यहाँ पर एक यूनिक टाइप से ही काम होता है, क्योंकि इंटेंट बेस्ड काम होता है ना, इसमें सीधा आते हैं लोग वेबसाइट के अंदर और काम करके चले जाते हैं। तो बात करते हैं अपने तीसरे कीवर्ड्स की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो पेड टैक्स कैलकुलेटर। अब देखो इस कीवर्ड को अगर आप जानते हो तो
सिंपल मैं आपको बता दूं, इस कीवर्ड पर अगर आप एक टूल बना लेते हो ना, आपको सीपीसी भी अच्छा मिलेगा और साथ साथ आपको ट्रैफिक भी आने वाला है बहुत ज्यादा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अब सीपीसी अच्छा क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेंशन हो रहा है ना, टैक्स मेंशन हो रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड वर्ड मेंशन हो रहा है, तो भाई आपको सिंपल इसके अंदर सीपीसी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो सिंपल हम इसको डाल देंगे इसके अंदर गूगल के अंदर, जो कि आप देख सकते हो ये जो कीवर्ड है ना, ये ज्यादातर कहाँ रैंक हो रहा है भाई, ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। जो कि यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो सिंपल भाई आप एक ऐसा टूल बना सकते हो जो कि भाई पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हो, या पी के डोमेन ले सकते हो, या डॉट कॉम या डॉट ऑनलाइन ऐसा करके डोमेन ले सकते हो, जरूरी नहीं है पी के आपको लेना है। सिंपल आप हो सके तो थोड़ा सिमिलर टाइप से नेम रखना इसका, जो कि आप कीवर्ड देख रहे हो, ये वॉल्यूम देख सकते हो भाई कितना वॉल्यूम है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपके पास 10,000 का भी ट्रैफिक आ जाता है ना, तो भाई आप अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे। यहाँ पर टैक्स यूज हो रहा है, तो भाई आपको सीपीसी भी अच्छा मिलने वाला है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली आपको, क्योंकि कैलकुलेटर चीज है ना एक, ये मान सकते हो आप, मतलब कि वहां पर जो है ना कॉमर्शियल टाइप में आता है ये कीवर्ड, जो कि भाई अच्छे खासे यहाँ पर रैंक भी होते हैं। यहाँ पर वैसे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और यूजेस कर रहे हैं, जो कि आपको मैं दिखाया था कौन कौन सी वेबसाइट यहाँ रैंक हो रही है। एक छोटी वेबसाइट हो रही है जो कि डोमेन अथॉरिटी आप देख सकते हैं 9 है, और यहाँ पर कुछ वेबसाइट रैंक हो रही है जो कि मतलब कि कोई एक फिक्स डोमेन नहीं है, जो कि भाई पर्टिकुलर डोमेन जो कि भाई इस पे काम कर रहा हूँ, एक ये वेबसाइट काम कर रही है केवल, जो कि भाई देखो ये भी काम नहीं कर रही है और ये भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हो टाइटल में नाम भी नहीं है, यहाँ पे भी काम नहीं कर रही है। तो सिंपल आप इस पे काम कर सकते हो, ये एक बहुत ही अच्छा आपको मैंने कीवर्ड प्रोवाइड कर दिया, सिंपली आप इस पे काम कर सकते हो। हम चेक कर लेंगे इसके टॉप ट्रैफिक चेक कर लेंगे, और यहाँ पर देख लेंगे इसकी एज, जो कि एक मल्टी निश वेबसाइट है भाई, है ना। 40,000 का ट्रैफिक था, अब जाके यहाँ पे डाउन हो चुका है। अब ये नहीं पता भाई ट्रैफिक यहाँ से इसके टूल पैड टूल से आ रहा है कहाँ से आ रहा है। तो सिंपल जो है यहाँ पर, ओके यहाँ पर इसने कैलकुलेटर नहीं बना रखा भाई, इसने यहाँ पर देखो इसका आर्टिकल रैंक हो रहा है। तो सिंपल भाई आप इसके अंदर कैलकुलेटर बना के ना इसको आराम से बीट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि भाई ये इंटेंट को इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, सिंपल ये कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, जो कि भाई मोबाइल फोन टैक्स एंड कस्टमर ड्यूटीज, है ना, पैड टैक्स करके भाई आप एक टूल वेबसाइट बना सकते हो, देन आप यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रैंक कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो जो कि किसी ने भी बैकिंग पे काम नहीं किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मतलब की डोमेन से हटके ये, तो आपको सिंपली इस टाइप का डोमेन भी इजिली मिल जाएगा, जो कि पैड टैक्स करके, है ना। तो ऐसी नीश पे आपको काम करना चाहिए भाई, जहाँ पर लो कॉम्पिटिशन हो, जहाँ पर कोई काम ही नहीं कर रहा हो। अगर आपको यार वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग माइक्रो नीश के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ।